एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑन शो द वायरल शो जी। तो वीयर्स, आज का शो शुरू करते हैं और चलते हैं आज की पहली कैटेगरी की तरफ, जो कि है हमारी गर्ल्स की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन सी हीरोइन तो आ रही हैं। चलिए, ठंड आ गई है, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। ठंड आ गई है, बचने के लिए कृपया एक दूसरे से जलते रहें। वेल, दिस इज द बेस्ट थिंग, यू नो, कि अगर सर्दी में आपको सर्दी ज्यादा लग रही हो तो आप किसी से जेलस होना शुरू हो जाएं, क्योंकि फिर उसी आग में आपको जो है सर्दी नहीं लगेगी। क्योंकि आप किसी से जेलस हो रहे होंगे तो फिर सड़ रहे होंगे, कुड़ रहे होंगे, आपका दिमाग सर्दी की तरफ कम जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। शादी में सारे लड़के एक तरफ और मेरी नजर भी उसी तरफ। शादी में सारे लड़के एक तरफ और मेरी नजर भी उसी तरफ। वेल डन, बहुत अच्छी आपकी वीडियो थी और सबसे ज्यादा अच्छा आपका ड्रेस था। और इसी प्यारी सी वीडियो के साथ चलिए अगली वीडियो की तरफ। खाना खाया तूने? नहीं खाया ना? सुबह भी नहीं खाया था, अभी दोपहर हो गई तब भी नहीं खाया। नहीं, खींच के चमेट मारूंगा तुझे। अच्छा चुप चुप, अब रो नहीं, ठीक है? ठीक है, सॉरी। खाना खाया तूने? नहीं खाया ना? सुबह भी नहीं खाया था, अभी दोपहर हो गई तब भी नहीं खाया। नहीं, खींच के चमेट मारूंगा तुझे। अच्छा चुप चुप, अब रो नहीं, ठीक है सॉरी। वेल, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि बाजी जी घर में प्लेट जो है वो भर के चावलों की खा रही हैं। तो ये जो है इस तरह के आजकल की जो मोहब्बत होती है, वो भाई मेरे इतने साल जो है वो तुम्हारे बगैर अपने पेरेंट्स के साथ गुजारती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगले कुछ दिन जब से तुमसे मिली है गुजार नहीं पाएगी? ये सारे जो आपके इस तरह के काम होते हैं मत किया करें, क्योंकि इस तरह के कामों में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। मैं हमेशा आपको अच्छा ही मशवरा दूंगी। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। उसने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे मुँह दिखाई में 50,000 रुपये देगा। मैंने खुशी से जल्दी जल्दी शादी कर ली। वो जालिम का बच्चा तो मुझसे मेरे नेंद्रे के पैसे भी ले गए। खुदा के बंदे, 2,000 रुपये तो दे दो, मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी। उसने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे मुंह दिखाई में 50,000 रुपये देगा। मैंने खुशी से जल्दी जल्दी शादी कर ली। वो जालिम का बच्चा तो मुझसे मेरे नेंद्रे के पैसे भी ले गए। खुदा के बंदे, 2,000 रुपये तो दे दो, मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी। ये तो बहुत गलत बात है। दुल्हन है नई नवेली और बड़ी क्यूट ये दुल्हन बनी हुई थी, और ऐसी क्यूट सी दुल्हन की वीडियो के साथ चलिए अगली वीडियो की तरफ। क्या खाती हैं आप? दिमाग खाती हूँ बस, इसीलिए वेट नहीं बढ़ता मेरा, सामने वाला का बढ़ जाता है। सीरियसली, आप क्या खाती हैं आप? दिमाग खाती हूँ बस, इसीलिए वेट नहीं बढ़ता मेरा, सामने वाला का बढ़ जाता है। सीरियसली आप? वेल, ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो इतने पतले होते हैं, वो जो मर्जी खा लें वो कभी भी मोटे नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उनकी हवा जो है वही खा लें, शहर बदल जाएं, हवा खा लें, तो फिर वो भी मोटे हो जाते हैं। खैर, ये सब कुछ जो होता है आपके जेनेटिक्स में होता है। कुछ लोगों के पेरेंट्स मोटे होते हैं, कुछ लोगों के पेरेंट्स पतले होते हैं, तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। लेकिन आजकल जो है आप इसको कवर कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें। और इसी प्यारे से मैसेज के साथ मेरी गर्ल्स की कैटेगरी अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है बॉयज की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से बॉयज आ रहे हैं। चलिए,
वेल शेर रखना और शेर को अपने साथ जो है इस तरह से मिंगल रखना इट्स टू डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि सिर्फ पिंजरे में शेर रखने से आप जो है वो नहीं बन जाते हैं, आपको प्रॉपर शेर का भी उसी तरह ख्याल रखना पड़ता है जिस तरह से घर में आप एक कैट रख लेते हैं उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन शेर और कैट में यही फ़र्क है कि वो बिल्ली है और वो शेर है, क्योंकि शेर जो है वो गोश्त मांगता है, कैट जो होती है वो कैट फूड मांगती है। और इन भाई साहब की जुर्रत को सलाम है कि उन्होंने किस तरह से मतलब उसको हैंडल किया। और शेर है यार, शेरों वाली काम करेंगे ना, क्या कह सकते हैं। खैर, वीडियो आपकी अच्छी थी, हमने उसको चला दिया और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ। तुम पैसा कमाओ, लड़कियां एक दो नहीं बंडलों में तुम्हारे पीछे भागेंगी, और ये हर लड़की के लिए नहीं है, ठीक है? वरना कुछ लड़कियां कमेंट मार के ज्ञान देंगी, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हमको पता है। तुम पैसा कमाओ, लड़कियां एक दो नहीं बंडलों में तुम्हारे पीछे भागेंगी, और ये हर लड़की के लिए नहीं है, ठीक है? वरना कुछ लड़कियां कमेंट मार के ज्ञान देंगी, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, हमको पता है। वेल, लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। और दूसरा, खाना आराम से एक जगह बैठ के खाया जाता है, आप जिस तरह से खा रहे थे वो तरीका बिल्कुल गलत था। और इसी तरह कहते हैं कि लड़के एक जैसे नहीं होते, इसी तरह कहा जाता है कि लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की को पैसा ही चाहिए हो, बल्कि कुछ लड़कियों को इज्जत भी चाहिए होती है। और आजकल के दौर में ये जिस तरह के लोग आ रहे हैं और जिस तरह की बातें की जा रही हैं लड़कों के बारे में या लड़कियों के बारे में, एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करने से बेहतर और ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले आप अब कुछ बन जाएं, पढ़ लिख लें, फिर उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी बातें करें, क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी बड़ी बातें करें। पहले पढ़ तो लो, स्टडीज़ तो कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिकल लाइफ में तो आ जाओ, फिर पता चलेगा ना। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट। भाई क्या टेंशन है यार, घर वालों ने कहा था टिकटॉक चलाएगा तो खाना नहीं मिलेगा, फैसला तुझे करना है, खाना चाहिए या टिकटॉक? तो क्या फैसला लिया भाई? भूखा हूँ 4 दिन से। भाई क्या टेंशन है यार, घर वालों ने कहा था टिकटॉक चलाएगा तो खाना नहीं मिलेगा, फैसला तुझे करना है, खाना चाहिए या टिकटॉक? तो क्या फैसला लिया भाई? भूखा हूँ 4 दिन से। इसका मतलब यही है कि उनका हाथ नहीं रुका टिकटॉक चलाने से और घर वालों ने खाना नहीं दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है घर वालों की बात भी माने, और ज़रूरी ये भी है कि आप टिकटॉक चलाएं, क्योंकि अगर आप टिकटॉक नहीं चलाएंगे तो फिर आप अच्छी वीडियोस नहीं बनाएंगे, और जब आप अच्छी वीडियोस नहीं बनाएंगे तो आप फिर हमारे शो में कैसे आएंगे। वाह क्या बात है, मुखड़े का अंतरा बना दिया मैंने। खैर, इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। और विनी कहाँ जा रहा है? भूल गए क्या? हम लड़के हैं, हमें अपना ही घर बनाने के लिए अपने ही घर से दूर जाना पड़ता है। और विनी कहाँ जा रहा है? भूल गए क्या? हम लड़के हैं, हमें अपना ही घर बनाने के लिए अपने ही घर से दूर जाना पड़ता है। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी और आने वाला जो वक्त होता है वो आप ही लड़कों के हाथ में होता है, क्योंकि घर जो होता है वो बेटों से बनता है, बेटियों से नहीं। क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो तो घर में मेहमान होती हैं, क्योंकि उन्होंने अगले घर चले जाना है, इसीलिए लड़कों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने ही करना है और किसने करना है, क्योंकि बेटियाँ तो पराया धन होती हैं, उनका तो एक दिन में मायका बदल जाता है और घर बदल जाता है, सब बदल जाता है, लेकिन वो फिर भी उफ नहीं करती। तो यही कमाल है हमारे यहाँ की लड़कियों का, हमारी वेमेंस का। और वेमेन पावर जो होती है वो बहुत ही आला किस्म की चीज़ होती है। खैर, इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। ओए तुझे पता है साले मेरी शादी हो रही है, हैं? दहेज में एक फ्रिज आएगा, ठंडा पानी ना पिलाएगा, हाँ एक दवाई खाएगी, साले हमें ना घुमाएगा, 50-50 का तेल डलवा के घूमेंगे, एक बीवी आएगी पप्पी ना दिलवाएगा। ओए तुझे पता है साले मेरी शादी हो रही है, हैं? दहेज में एक फ्रिज आएगा, ठंडा पानी ना पिलाएगा, हाँ एक दवाई खाएगी, साले हमें ना घुमाएगा, 50-50 का तेल डलवा के घूमेंगे, एक बीवी आएगी पप्पी ना दिलवाएगा।
वेल ये मुर्गा था और मुर्गे की जो है आवाज आपने सुनी, पीछे कोई बंदा ही बोल रहा था। ऑब्वियसली जब हर चीज में तुम हिस्सा डाल रहे हो तो फिर उसका भी तो हक बनता है ना। खैर यहाँ पे हमारा हक बनता है कि हम आपको ये बताएं, हम जा रहे हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ जो कि है हमारी कपल्स की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से कपल्स आ रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। 20 लाख रुपए दे और अपनी बीवी को ले जा। 40 लाख 20 लाख बोला बे बैरे, 40 लाख ले और मेरी बीवी को अपने पास रख। वेल इस तरह के हस्बैंड्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि जो अपनी बीवियों से बहुत तंग होते हैं वो फिर इस तरह की बातें करते हैं। खैर ये तो एक कॉमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो थी, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं। और अच्छी बात है क्योंकि निकाह में बहुत ताकत होती है। और इसी बात के साथ बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। सुनो जी, यहाँ क्यों छुपे हो? अबे यार तेरी बहन हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। क्यों? अबे यार मैंने उससे मजाक में बोल दिया साली तो आधी घरवाली होती है। तो क्या हुआ? अब आधी जायदाद मांग रही है मेरे से कमीनी। सुनो जी, यहाँ क्यों छुपे हो? अबे यार तेरी बहन हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। क्यों? अबे यार मैंने उससे मजाक में बोल दिया साली तो आधी घरवाली होती है। तो क्या हुआ? अब आधी जायदाद मांग रही है मेरे से कमीनी। वेल यही बोला जाता है कि साली जो होती है वो आधे घरवाली होती है। और अब अगर आधी घरवाली ने आपसे आधी जायदाद मांग ली है तो आपको दे देनी चाहिए। जी हाँ, हमारा मशवरा आपको यही है। खैर इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। अरे 1 साल हो गया शादी को, फिर भी हाथ पकड़ के चलते हो, इतना प्यार। अरे हाथ हाथ पकड़ के नहीं चलता हूँ, हाथ छोड़ दे किसी दुकान में घुस जाती है। अरे 1 साल हो गया शादी को, फिर भी हाथ पकड़ के चलते हो, इतना प्यार। अरे हाथ हाथ पकड़ के नहीं चलता हूँ, हाथ छोड़ दे किसी दुकान में घुस जाती है। How cute, well done, fantastic, बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी, बड़ी क्यूट सी वीडियो थी। खैर इसी क्यूट सी वीडियो के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। रितु आज ना बाहर खाना खाएंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट में रेडी होके आती हूँ। हाँ मैं बाहर चटाई बिछा के आता हूँ। रितु आज ना बाहर खाना खाएंगे। ठीक है, मैं 2 मिनट में रेडी होके आती हूँ। हाँ मैं बाहर चटाई बिछा के आता हूँ। वेल बात बिल्कुल सही है, बात हुई थी बाहर बैठ के खाना खाने की, तो आपने सुना नहीं तो बाहर तो यही था ना कि घर से बाहर, मतलब सहन में, घर के बाहर नहीं सहन में, सही। तो कोई बात नहीं, शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी सहन में बैठ के भी खाना खाने का अपना ही मज़ा होता है, ज़रूर इंजॉय करिएगा। खैर इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। एक्सक्यूज मी जी, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्यों? वो मेरी बीवी गुम होगी है ना। बीवी गुम होगी तो मेरे पे लाइन मारने आ रहा है? नहीं लाइन नहीं मार रहा, वो मुझे आपसे बात करता देखेगी ना तो कहीं ना कहीं से खुद ही निकल आएगी। क्या करना बॉस, आना ही पड़ा। एक्सक्यूज मी जी, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्यों? वो मेरी बीवी गुम होगी है ना। बीवी गुम होगी तो मेरे पे लाइन मारने आ रहा है? नहीं लाइन नहीं मार रहा, वो मुझे आपसे बात करता देखेगी ना तो कहीं ना कहीं से खुद ही निकल आएगी। क्या करना बॉस, आना ही पड़ा। वेल यू सी, अगर आपकी बीवी भी कहीं गुम जाए तो आप भी किसी लेडीज से बात कर लें, यकीन करें वो इन्हीं की तरह कहीं ना कहीं से निकल कर ज़रूर आ जाएंगी। खैर यहाँ पे मेरी कपल्स की जो कैटेगरी है वो भी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मुझे यहाँ पे जाना है ब्रेक पे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप लोग भी भेजना चाहते हैं अपनी वीडियोज़ तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी वीडियोज़ का। और इसी के साथ चलते हैं एक द ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, व्यूअर्स हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और ब्रेक से वापस आते ही मुझे जाना होता है अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो कि है बच्चा पार्टी की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे आ रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक।
डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है तुम्हें ये बीमारी? कौन सी बीमारी? डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है तुम्हें ये बीमारी? कौन सी बीमारी? वेल, बहुत क्यूट बच्चा था ये और बड़ा प्यारा, इसका जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत अच्छे थे। और इसी तरह अगर आप भी अपने अपने बच्चों की वीडियोस हमें भेजना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर नंबर्स हैं, आप अपने बच्चों की वीडियोस हमें बनाकर भेज सकते हैं, हम लगाएंगे उनको अपने शो में और दिखाएंगे दुनिया को उनका टैलेंट। और इसी के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अरे काय को रो रहा? टीचर मारी मेरी को। काय को मारी चुड़ैल तेरी को? ना उसको मुर्गी बोला। अरे काय को बोला रे ऐसा? काय को बोला तो हर पेपर में अंडा दे रही मेरी को। अरे काय को रो रहा? टीचर मारी मेरी को। काय को मारी चुड़ैल तेरी को? ना उसको मुर्गी बोला। अरे काय को बोला रे ऐसा? काय को बोला तो हर पेपर में अंडा दे रही मेरी को। वेल, यही बात हो जाती है कि अगर वो हर पेपर में आपको अंडा दे रहे हैं तो आपको ये चाहिए कि आप अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करें, ना कि आपने टीचर को ही मुर्गी बोल दिया। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। मम्मी। हाँ बोलो। एक गिलास पानी दे दो। अपने आप लो किचन में आके। मम्मा प्लीज दे दो ना। नो, अपने आप आके लो, और दोबारा बोलोगे तो थप्पड़ लगाऊंगी। ठीक है, जब आप थप्पड़ मारने आओ तब एक गिलास पानी भी ले आना। मम्मी। हाँ बोलो। एक गिलास पानी दे दो। अपने आप लो किचन में आके। मम्मा प्लीज दे दो ना। नो, अपने आप आके लो, और दोबारा बोलोगे तो थप्पड़ लगाऊंगी। ठीक है, जब आप थप्पड़ मारने आओ तब एक गिलास पानी भी ले आना। वेल, बिल्ली लग रही थी ये मुझे, और बहुत ही क्यूट, मानो कैटी टाइप इनका जो फेस था। और आजकल के बच्चे आपको पता है माशाल्लाह से कितने स्मार्ट हैं और एक्स्ट्रा ही स्मार्ट हैं, और वो चीज़ें या वो काम कर लेते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि ये जो बच्चे हैं ये सारे नए दौर के बच्चे हैं। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। साहब की जो वॉक है वही बहुत कमाल है, तो फिर इनकी टॉक क्या होगी। वेल, आपकी वीडियो धमाल है, कमाल है, बेमिसाल है। और इसी के साथ हम चलते हैं अगली वीडियो की। पापा एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। रुको, इसको भी साथ ले जाओ। बेटा इसको नमाज नहीं पढ़ने आती, अभी ये छोटा है। आप इसको सिखाओगे फिर ही आएगी। पापा एक मिनट, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। रुको, इसको भी साथ ले जाओ। बेटा इसको नमाज नहीं पढ़ने आती, अभी ये छोटा है। आप इसको सिखाओगे फिर ही आएगी। बिल्कुल जी, अगर हम अपने बच्चों को खुद गाइड नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें ही उनको सब कुछ बताना चाहिए कि क्या है और पाकिस्तान कैसे बना, इस्लाम के बारे में बताना चाहिए, नमाज के बारे में बताना चाहिए, उनको अच्छे बुरे की तमीज़ हम लोगों को देनी चाहिए। यही वजह है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि हम अगर बच्चों को नहीं बताएंगे तो फिर वो इधर उधर के कामों में आपको पता है पड़ जाते हैं, और हमें उनको गाइड करना चाहिए। वीडियो बहुत अच्छी थी, इसमें मैसेज आपका बहुत अच्छा था। और इसी प्यारी सी वीडियो के साथ यहाँ पे मेरी बच्चा पार्टी की जो कैटेगरी है वो अपने अख्ताम को पहुँच चुकी है। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है ऑंटियों की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन सी ऑंटियाँ आ रही हैं। चलिए, मेरे अब्बू जानदा? ओनू नहीं जानदा। मेरे प्राणू? मैं ओनू नहीं जानदा। तू सानू किसे नु नहीं जानदा? मैं तानू किसे नु नहीं जानदा। अच्छा फिर एक गुटका दे दे। नु जानदा? नहीं। मेरे अब्बू जानदा? ओनू नहीं जानदा। मेरे प्राणू? मैं ओनू नहीं जानदा। तू सानू किसे नु नहीं जानदा? मैं तानू किसे नु नहीं जानदा।
अच्छा फिर एक गुटका दे दे। वेल इन्होंने जिस चीज का नाम लिया वो चीज जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज है और खुदारा ऐसी चीजों से दूर रहें। और वो जानते तो किसी को नहीं थे लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं इस बारे में। खैर एनीवेज चलते हैं इसी के साथ हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। फीमेल में मेल आता है, शी में ही आता, और तो और वुमेन में भी मैन आता है। मर्दों की पुरानी आदत है औरतों में घुसने की। फीमेल में मेल आता है, शी में ही आता, और तो और वुमेन में भी मैन आता है। मर्दों की पुरानी आदत है औरतों में घुसने की। बिल्कुल जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। बात तो इनकी 100% सही है लेकिन उस बात में कितनी हकीकत है कितनी नहीं है ये आप लोग हमें बताएंगे अपने मैसेजेस के जरिए। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स और अपने मैसेजेस भेज सकते हैं हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर। इसी के साथ हम चलते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ। शादी कब करोगे मुझसे? घर वाले नहीं मानेंगे। आई लव यू यार, मैं मना लूंगा उनको, तुम टेंशन ना लो। रियली जान, आई लव यू टू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि घर वाले मान जाएंगे। कौन कौन है घर में? मेरा हस्बैंड और बच्चे। शादी कब करोगे मुझसे? घर वाले नहीं मानेंगे। आई लव यू यार, मैं मना लूंगा उनको, तुम टेंशन ना लो। रियली जान, आई लव यू टू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि घर वाले मान जाएंगे। कौन कौन है घर में? मेरा हस्बैंड और बच्चे। वेल इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। घर वालों से मुराद उनका यही था कि घर वाले तो वाकई नहीं मानेंगे, और अगर घर वाले मान भी गए तो हो भी गया तो आपके तो पहले ही हस्बैंड और बच्चे हैं। इस तरह के काम मत किया करें क्योंकि इस तरह के कामों में जान का खतरा भी हो सकता है। सावधान रहिए। खैर इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। हम तो गर्मी आने पर चाय भी नहीं छोड़ते, यकीन मानिए आपको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम तो गर्मी आने पर चाय भी नहीं छोड़ते, यकीन मानिए आपको छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। वेल जी, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह ये लग रही थी। और वाकई में जो लोग गर्मियों में चाय पीना नहीं छोड़ते हैं वो किसी इंसान को कैसे छोड़ सकते हैं। वेल इससे बड़ी वफा की बात और क्या होगी। खैर इसी के साथ हम चलते हैं हमारी अगली वीडियो की तरफ। भाड़ में जाएं लोग और लोगों की बातें, हम तो ऐसे ही जिएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। भाड़ में जाएं लोग और लोगों की बातें, हम तो ऐसे ही जिएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। बिल्कुल जी, कौन आपको रोक सकता है? आपको जैसे जीना है आप वैसे ही जीते हैं। और हम अपने लिए जो जिंदगी है वो खुद सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अल्लाह हमें बहुत सारे रास्ते दिखाता है लेकिन चुनाव हमारा होता है। सो इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू। और इसी के साथ यहाँ पे मेरी आंटियों की जो कैटेगरी है वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी है। और इसी के साथ मुझे जाना है यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक पे, तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। और ब्रेक से वापस आते ही चलते हैं हम हमारी अगली कैटेगरी की तरफ जो कि है हमारी अंकल्स की कैटेगरी। तो देखते हैं कौन कौन से अंकल्स आ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एमसीबी बैंक से बात कर रही हूँ। क्या आपका बैंक में खाता खुला हुआ है? जी हाँ जी हाँ, सही, साडा बैंक में खाता खुला हुआ है। तो सर मैं आपसे एक बात पूछूं? ओ मेरा सोना, पूछ तो आपको कोई रोक सकता है? सर आप शादीशुदा हैं? जी हाँ सही, मेरे 3 शादियां हैं। हाय, मजे तो आपके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एमसीबी बैंक से बात कर रही हूँ। क्या आपका बैंक में खाता खुला हुआ है? जी हाँ सही, साडा बैंक में खाता खुला हुआ है। तो सर मैं आपसे एक बात पूछूं? ओ मेरा सोना, पूछ तो आपको कोई रोक सकता है? सर आप शादीशुदा हैं? जी हाँ सही, मेरे 3 शादियां हैं। हाय, मजे तो आपके हैं। वेल यही होता है। और क्या कह सकते हैं, शादियां जो हैं इस्लाम में वैसे तो 4 जायज हैं लेकिन यहाँ पे जो है एक के बाद कोई दूसरी नहीं करने देती है क्योंकि लेडीज की जो पावर होती है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। वही बात आ जाती है, होम मिनिस्टर से पूछे बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 4 शादियां की होती हैं लेकिन बहुत सारी पोजेसिव किस्म की लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, होना भी चाहिए क्योंकि हस्बैंड इधर उधर देखे भी तो उन
का ख्याल रखना चाहिए। खैर इसी टिप के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। नया मोबाइल आपने कब लिया? ओ यार मेरा नहीं तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड का। तो आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आपके पास कैसे? वो रोज कहती थी कि मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। आज मौका मिला, मैं उठा के ले आया। नया मोबाइल आपने कब लिया? ओ यार मेरा नहीं तो फिर मेरी गर्लफ्रेंड का। तो आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आपके पास कैसे? वो रोज कहती थी कि मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। आज मौका मिला, मैं उठा के ले आया। वेल, ये बाबा जी बड़े क्यूट हैं, बड़े स्वीट हैं और इनकी वीडियोस भी बड़ी अच्छी होती हैं। तो वही बात आ जाती है, गर्लफ्रेंड ने बोला फोन बाबा जी, वो कहती थी कि फोन अगर वो करे तो फिर आप अपना फोन उठाएं और उससे बात करें, आप तो जाके उसी का फोन उठा कर ले आए। खैर इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। हेलो, आप स्नैक पे वीडियो बनाते हैं? जी जी, मैं स्नैक पे वीडियो बनाता हूँ। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं? ओ जी मैं तो सदियों से कुंवारा हूँ, अभी तक तो मेरी शादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं है। अच्छा कुंवारे हैं, चलो ठीक है, जल्दी घर आना और बेटे के लिए पैंपर भी लेते आना, आपकी शादी का कुछ करती हूँ। ओ बेगम तू। हेलो, आप स्नैक पे वीडियो बनाते हैं? जी जी, मैं स्नैक पे वीडियो बनाता हूँ। जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। आप शादीशुदा हैं या कुंवारे हैं? ओ जी मैं तो सदियों से कुंवारा हूँ, अभी तक तो मेरी शादी का दूर दूर तक कोई नामो निशान भी नहीं है। अच्छा कुंवारे हैं, चलो ठीक है, जल्दी घर आना और बेटे के लिए पैंपर भी लेते आना, आपकी शादी का कुछ करती हूँ। ओ बेगम तू। इसी तरह होता है, जब भी आपको कोई नंबर की कॉल आए या फिर आगे से लेडीज बोले तो इतने स्वीट मत बना करें, क्योंकि वो आपकी अपनी बीवी भी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। पानी पानी वेल, पानी की खुशी में वो ये भूल गए कि सामने बेचारा बंदा खड़ा था और आपने जो है जैसे ही छलांग लगाई उसके मुंह पे सारा गंदा पानी गया। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारिशों के बाद जो है कहीं कहीं इस तरह से जब पानी इकट्ठा हो जाता है, हर किसी इंसान के अंदर एक बच्चा ज़रूर छिपा होता है जो इस तरह की चीज़ें देखकर बाहर आ जाता है। खैर इसी के साथ हम भी बाहर जाते हैं, नहीं हम अगली वीडियो की तरफ जाते हैं। चलिए, अरे भाई पानी क्यों फेंक रहे हो? हमारे इंडिया में बोर पानी है इसलिए फेंक रहा हूँ। अरे भाई पैसे क्यों फेंक रहे हो? हमारे अमेरिका में बहुत पैसा है इसलिए फेंक रहा हूँ। भाई इनको क्यों बाहर फेंक रहे हो? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत से छड्डू हैं इसलिए फेंक रहा हूँ। अरे भाई पानी क्यों फेंक रहे हो? हमारे इंडिया में बोर पानी है इसलिए फेंक रहा हूँ। अरे भाई पैसे क्यों फेंक रहे हो? हमारे अमेरिका में बहुत पैसा है इसलिए फेंक रहा हूँ। भाई इनको क्यों बाहर फेंक रहे हो? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसे बहुत से छड्डू हैं इसलिए फेंक रहा हूँ। वेल, अच्छी कोशिश थी इनकी और इनकी इसी कोशिश को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी अगली कैटेगरी की तरफ चलेंगे। और हमारी अगली कैटेगरी है फ्रेंड्स की कैटेगरी, तो देखते हैं कौन कौन से दोस्त आ रहे हैं अपनी दोस्तियों को निभाने। चलिए देखते हैं। भाई आजकल की लड़कियों के स्टेटस तो देख, माई डैड इज माई रियल हीरो ना, हमारे पापा तो आतंकवादी हैं। भाई आजकल की लड़कियों के स्टेटस तो देख, माय डैड इज माय रियल हीरो ना, हमारे पापा तो आतंकवादी हैं। वेल, क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छी इन दोनों की वीडियो थी और इसी अच्छी सी वीडियो के साथ चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। मेरे सब दोस्तों के चक्कर चल रहे हैं मौला, कोई मेरे किस्मत च भी आए।
मेरे सब दोस्तों के चक्कर चल रहे हैं मौला, कोई मेरे किस्मत भी है। वेल, देखा आपने, ये इस तरह से दवाइयाँ देते हैं जो सिंगल किस्म के लोग होते हैं, और जो शदीद किस्म के सिंगल होते हैं वो ऐसे होते हैं जो रोने पिटने ही डाल देते हैं। खैर, घर वालों को आपका ख्याल करना चाहिए और आपकी शादियाँ जल्द से जल्द करा देनी चाहिए। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। वो जे तू पापा दी पड़ी है, असी भी माँ दे कालू हाँ। वो जे तू पापा दी पड़ी है, असी भी माँ दे कालू हाँ। वेल डन, बहुत अच्छी वीडियो थी इनकी। और दोस्तों के साथ जब दोस्त इकट्ठे होते हैं, दोस्तों के साथ की हुई मजाक मस्ती जो होती है वो और उनके रिलेशन को स्ट्रांग करती है और आगे लेकर चलती है। खैर, इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। मेरे माँ बाप के हम दो बेटे हैं, एक की शादी हो गई, एक तो फिर भी कुआरा। मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढो। मेरे माँ बाप के हम दो बेटे हैं, एक की शादी हो गई, एक तो फिर भी कुआरा। मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढो। ये वही लोग हैं जिनका मैं जिक्र कर रही थी, शदीद किस्म के सिंगल लोग हैं ये, जो कि शादियों के लिए, शादी करने के लिए इतने बेताब हैं और इतने उतावले हुए जा रहे हैं। तो मैं इनके घर वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि खुदारा अपने बच्चों की शादियां जल्दी कर दें। बिल्कुल जी हाँ, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम हमारी अगली वीडियो की तरफ। चलो बच्चों बताओ, ताजमहल किसने बनाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? चलो बच्चों बताओ, ताजमहल किसने बनाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? वेल, ताजमहल जिसने भी बनाया वो सही बन तो गया, लेकिन बच्चों के इस तरह के जो सवाल होते हैं वो बड़े ही अजीब होते हैं। लेकिन ये सारे दोस्त थे और ये आपस में बैठे हुए थे, जहाँ भी चार यार मिल जाते हैं शाम वही हो जाती है। खैर, इसी के साथ मेरी सारी कैटेगरीज जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुकी हैं और मेरे जाने का भी हो गया है वक्त। लेकिन जाने से पहले मैं आपको दिखाती चलूँ वो वीडियो जिसने विन किया है वीनस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आइए देखते हैं। शादी में सारे लड़के एक तरफ और मेरी नजर भी उसी तरफ। वेल जी, आपको बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, आपने विन किया है वीनस की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। इसी के साथ मेरे जाने का भी हो गया है वक्त और मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।